डियर स्कॉलर्स, क्लास 11th और नीट स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी इस वीडियो लेक्चर में हाइंड लिंब की टीबियोफिब्रिला बोन को डिस्कस करूंगा। आज का मेरा टॉपिक है टीबियोफिब्रिला, टीबिया, TIBIA, टीबिया फिब्रिला, FIBULA। टीबिया फिब्रिला पैर की दूसरी लॉन्ग बोन है। पैर की दूसरी लॉन्ग बोन का नाम क्या है? टीबिया फिब्रिला। पहले मैं आपको इसकी पोजीशन बताता हूं। देखिए पोजीशन, आप ये स्कल है और शोल्डर और ये आ गया सैक्रल रीजन, ये अभी लैग। ठीक है, ऐसे ही ये लैग हो गया। दूसरा देखिए, यहां पे जो बोन होती है वो आपको याद होगा, उसका नाम था पेल्विक गर्डल। उसका नाम था, नाम है पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो यहां पे जो बोन है वो तो होगी पेल्विक गर्डल। ओके, इससे जो बोन जुड़ती है उसका नाम है फीमर। आज जो हम बोन पढ़ रहे हैं वहां से पढ़े टीबिया फिब्रिला, शैंक बोन, शैंक SHANK, शैंक बोन, टीबिया फिब्रिला, टीबिया और फिब्रिला दो बोन से मिलकर बनी है। एक है टीबिया और दूसरी कौन सी है? फिब्रिला। ठीक है, टीबिया फिब्रिला और यहां पे होती है पटेला बोन, पटेला बोन। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है टीबिया फिब्रिला। पोजीशन देखें आप, हाइंड लिंब की शैंक बोन, हाइंड लिंब की शैंक बोन है SHANK, शैंक बोन। क्लासिफिकेशन देखते हैं हम पहले, स्केलेटन, स्केलेटन हम स्टडी कर रहे हैं, एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन में स्टडी कर रहे हैं हम, एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर स्केलेटन भी, और एपेंडिकुलर स्केलेटन में है हाइंड, हाइंड लिंब, हाइंड लिंब। ठीक है, और हाइंड लिंब में हम बोन पढ़ना है टीबिया फिब्रिला, टीबिया फिब्रिला। यस डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक हो गया टीबिया फिब्रिला। ये मैंने क्लासिफिकेशन लिखा, स्केलेटन, एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन में हम पढ़ रहे हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन में हाइंड लिंब, हाइंड लिंब में हम स्टडी कर रहे हैं टीबिया फिब्रिला। पोजीशन मैंने बता दी आपको, टीबिया फिब्रिला प्रेजेंट बिटवीन द फीमर एंड एंकिल बोन, एंकिल और फीमर के बीच में टीबिया फिब्रिला है, इसे शैंक बोन भी कहते हैं। टीबिया फिब्रिला दो बोन से मिलकर बनी है, एक टीबिया दूसरी फिब्रिला, एक टीबिया बोन है दूसरी कौन सी है? फिब्रिला बोन है। टीबिया स्ट्रॉन्ग बोन है, टीबिया इज ए स्ट्रॉन्ग बोन, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग बोन। टीबिया है ना, लॉन्ग बोन है और कैसी है? स्ट्रॉन्ग बोन है। टीबिया इज लॉन्गर देन फिब्रिला, टीबिया फिब्रिला की कंपैरिजन में लंबी होती है।
डायग्राम इसके ड्रा करता हूं, आप भी मेरे साथ से डायग्राम ड्रा करें। ये मैं इसका प्रॉक्सिमल एंड बना रहा हूं, ये प्रॉक्सिमल एंड है और बीच के भाग कहते हैं शेफ्ट और डिस्टल एंड कहलाता है मैलियोलस। ये डिस्टल एंड हो गया इसका मैलियोलस, ठीक है। और दूसरी बोन कौन सी है इसके साथ, ये सर फिबुला, ये हो गई फिबुला बोन। ये है फिबुला, ठीक है। पहली बोन कौन सी हमारी है, टीबिया, और ये हो गई फिबुला। जिसका डिस्टल एंड है और ये इसका प्रॉक्सिमल एंड, ठीक। ट्यूबरोसिटी ऑफ टीबिया, प्रॉक्सिमल एंड पर, प्रॉक्सिमल एंड पर दो कॉन्डाइल, ठीक है। जो अंदर का कॉन्डाइल होता है उसे कहते हैं मीडियल कॉन्डाइल, और जो बाहर की तरफ होता है उसे कहते हैं लैटरल कॉन्डाइल। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिबुला, देखिए टीबिया फिबुला दोनों बोन आपस में इंटरकोशियस मेम्ब्रेन से जुड़ी है, दोनों बोन आपस में इंटरकोशियस मेम्ब्रेन से जुड़ी है, इंटरकोशियस मेम्ब्रेन। टीबिया का डिस्टल एंड टीबियल मैलियोलस, और फिबुला का डिस्टल एंड मैलियोलस, फिबुला मैलियोलस। हम स्टडी कर रहे हैं आज टीबिया फिबुला की, है ना। तो पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं, डायग्राम में बना चुका हूं, हम आपको समझाते हैं। देखिए स्केलेटन, एंडोस्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन, हाइंड लिंब, टीबिया फिबुला। टीबिया फिबुला हाइंड लिंब की लॉन्ग बोन है, ये फीमर और एंकिल के बीच में होती है, इसीलिए से हम शैंक बोन भी कहते हैं, शैंक बोन भी हम कहते हैं। पोजीशन देखिए आप, देखिए फीमर है एंकिल है, इसके बीच में टीबिया फिबुला बोन है, ठीक है। टीबिया फिबुला किसके बीच में, फीमर और एंकिल के बीच में। टीबिया फिबुला का हमने ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, ये इसका डिस्टल एंड है, ठीक है। आप नोट करें टीबिया स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बोन है, ये स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग बोन है। मेन बोन जो है टीबिया इसमें, और टीबिया फिबुला के कंपैरिजन में लंबी बोन है, टीबिया इज लॉन्गर देन फिबुला।
टिबिया के प्रॉक्सिमल एंड पर, टिबिया के प्रॉक्सिमल एंड पर दो इंटरकोंडाइलर मिनेंस है ना, इंटरकोंडाइलर इमिनेंस, इनको हम नाम देते हैं इंटर कोंडाइलर इमिनेंस, इंटरकोंडाइलर इमिनेंस, ठीक है। इसके दोनों तरफ कोंडाइल है, ये मेजर कोंडाइल, ये लेटर कोंडाइल। ये कोंडाइल फीमर से जाके आर्टिकुलेट करते हैं, है ना। देखिए मीडियम कोंडाइल और लेटर कोंडाइल, दोनों कोंडाइल फीमर के साथ आर्टिकुलेट करते हैं और ज्वाइंट कौन सा बनाते हैं, हिंज ज्वाइंट बनाते हैं। टीबिया की ट्यूबरोसिटी है, इस ट्यूबरोसिटी से पेटेला बोन, है ना, पेटेला बोन लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है। देखिए ट्यूबरोसिटी ऑफ टीबिया, ये टीबिया की ट्यूबरोसिटी है, टीबिया की ट्यूबरोसिटी से पटेला बोन लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। फिबुला, फिबुला रॉड लाइक बोन है ना, इसे हम ब्रूच, बी आर डब्ल ओ सी एच, है ना, ब्रूच लाइक बोन भी कहते हैं। तो फिबुला का प्रॉक्सिमल एंड टीबिया के साथ अटैच होता है, है ना। देखिए फिबुला का प्रॉक्सिमल एंड टीबिया के साथ अटैच होता है और इसका डिस्टल एंड, डिस्टल एंड को हम कहते हैं लैटरल मैल्यूरस, लैटरल मैल्यूरस। ये एंकिल में, है ना, एंकिल बोन के साथ जुड़ता है, ठीक है, एंकिल की टेनिस बोन के साथ जुड़ता है। किसमें दिया, फिबुला लॉन्ग रॉड लाइक बोन है, इसका शेप कैसा है, ब्रूच लाइक, बी आर डबल ओ सी एच, ब्रूच कहते हैं ना हेयर पिन को, ठीक है, हेयर पिन जिससे बाल सीधे करते हैं उसे ब्रूच बोलते हैं। तो फिबुला टीबिया से इंटर ओसियस मेम्ब्रेन के द्वारा अटैच रहती है, फिबुला का प्रॉक्सिमल एंड टीबिया के साथ अटैच होता है, इसका डिस्टल एंड, फिबुला का डिस्टल एंड टीबिया के साथ अटैच होता है, ज्वाइंट नहीं बनाता, और फिबुला का डिस्टल एंड, है ना, टेलस बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है। टीबिया, टीबिया शैंक बोन, शैंक बोन है। टीबिया के प्रॉक्सिमल एंड पर दो इंटरकोंडाइलर इमिनेंस हैं जो फीमर के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, दो कोंडाइल है, मीडियम कोंडाइल एक लेटरल कोंडाइल, ये भी फीमर के साथ आर्टिकुलेट करते हैं। टीबिया का बीच का भाग शेफ्ट कहलाता है, ठीक है। टीबिया के डिस्टल एंड पर, टीबिया के डिस्टल एंड को मैन्यूलस कहते हैं, या तो उसको कह देते हैं टीबियल मैन्यूलस या ऐसे कह देते हैं मीडियल, मीडियल मैन्यूलस, मीडियल मैन्यूलस, है ना, मीडियल मैन्यूलस टार्सिस बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है और ये मीडियल मैन्यूलस एंकिल को, एंकिल बोन को डिसलोकेट होने से भी रोकता है। टीबियल मैन्यूलस एंकिल बोन को के डिसलोकेशन को भी रोकता है, ठीक है। फिर समझ लिया, टीबिया का डिस्टल एंड फिबुला के साथ आर्टिकुलेट करता है, फिबुला के साथ अटैच होता है और इसका डिस्टल एंड, है ना, टार्सस बोन के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो आप पढ़ रहे थे हाइंड लिंब की, कौन सी बोन पढ़ रहे थे, शैंक बोन। हाइंड लिंब में हम स्टडी कर रहे हैं शैंक बोन की। शैंक बोन पाई जाती है फीमर और एंकिल के बीच। मैं एक बार आपको लास्ट में और रिवाइज करा दूं, शैंक बोन में दो बोन्स हैं, टीबिया और फिबुला। देखिए टीबिया और फिबुला, ठीक है, टीबिया लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बोन है,
मेन बोन शैंक, शैंक रीजन की मेन बोन है टीबिया। टीबिया के प्रॉक्सिमल पर इंटरकोंडाइल मीनेंस है, इसके दोनों तरफ कोंडाइल है, मीडियल कोंडाइल और लेटर कोंडाइल, जो फीमर के साथ आर्टिकुलेट करते हैं और नी ज्वाइंट बनाते हैं। टीबिया के प्रॉक्सिमल एंड पर ट्यूबरोसिटी है, इस ट्यूबरोसिटी से पैटेला बोन लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। टीबिया का ये मिड पार्ट है जिसे हम शेफ्ट कहते हैं। टीबिया है ना, टीबिया ट्रायंगुलर बोन है, यहां पे क्या होता है ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर बोन होता है, ये इसका एंटीरियर मार्जिन है ना। टीबिया ट्रायंगुलर बोन है ना, वैसे तो लॉन्ग है लेकिन हम टीएस में देखेंगे तो हमें कुछ कुछ ट्रायंगुलर नजर आती है, ठीक है। ये इसकी एंटीरियर मार्जिन है। टीबिया के डिस्टल एंड पर डिस्टल एंड को हम मीडियल मैन्यूलस या टीबियल, टीबियल मैन्यूलस कहते हैं। मीडियल मैन्यूलस है ना टार्सल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है। दूसरी बोन कौन सी है, फिबला। फिबला सामने की तरफ होती है, फिबला सामने की तरफ होती है, ठीक है। फिबला रॉड लाइक बोन है, इसलिए उसे कहते हैं ब्रूच बोन, BROCH। फिबला का प्रॉक्सिमल एंड टीबिया के प्रॉक्सिमल एंड के साथ अटैच होता है, ठीक। फिबला का डिस्टल एंड जिसे हम लैटरल मैन्यूलस कहते हैं, ये एंकिल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है, मतलब लैटरल मैन्यूलस टेलस बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है, टेलस बोन एंकिल बोन, ठीक है। मीडियल मैन्यूलस है ना एंकिल बोन के डिसलोकेशन को रोकता है, मीडियल मैन्यूलस एंकिल बोन के डिसलोकेशन को रोकता है, ठीक है। टीबिया और फिबला दोनों आपस में इंटर ओसियस मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ी रहती है। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाता है, हम कौन स्टडी कर रहे थे, टीबिया फिबला, ठीक है। आप मेरी वीडियो को सर्च करने के लिए टॉपिक से पहले जल्दी से लगा देंगे, इजीली आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। आपको वीडियो के अंत में डायग्राम मिलेगा, उसको आप ड्रॉ कर लेंगे। थैंक यू।